Oh, we are so humbled. This is such a wonderful thing. You see, we at News Laundry complete 12 years this week, which is nothing short of a miracle. And there's so many people to thank. We were told एक एड फ्री सब्सक्राइबर फंडेड न्यूज प्लेटफॉर्म का सर्वाइवल नामुमकिन है. मुश्किल है, नामुमकिन नहीं. सो हियर वी आर फ्रॉम 2012 टू 2024. यू विल सी सेवरल आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स व्हेन न्यूज लॉन्ड्री इज थैंकिंग आवर सब्सक्राइबर्स हू हैव मेड अस व्हाट वी आर, फेलो जर्नलिस्ट हू हैव सपोर्टेड अस, मम्मी पापा चुन्नू मुन्नू स्वीटी वीटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बट दिस इज अ स्पेशल थैंक यू to the most important contributors to News Laundry's success. You see, had the environment in the media not been what it is today, acts of regular, normal journalism or news commentary would not seem, oh, so brave. Kaun poochta hame yaar? Agar baaki old legacy media itna na girta, to hum uth paate bhala? Had most of big media with their big brands and big names and big budgets and big industrialists backing not churned out such pathetic, low quality, craven programming, yaar kaun poochta hame? You see, hamara kaam itna acha nahi hai, baakiyon ka bahut hi ghatiya hai. So you see, we have not become big and strong. Old time media has become small and weak. And when it comes to awards for journalism, we have got several and we are very grateful. रामनाथ गोयंका अवार्ड, रेड इंक अवार्ड, लाडली अवार्ड, ये तो ठीक है, आते रहेंगे. पर हमारी असली ट्रॉफी है तो ओवर 40 इनकम टैक्स नोटिसेज एंड 2 रेड्स. लेकिन रेड नहीं कहते, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग इसको सर्वे कहते हैं, टैक्स सर्वे. यू नो, जब मेरा फोन लैपटॉप वगैरह ले लिया था, अगर इन सब की कृपा नहीं होती तो यार कौन पूछता हमें? हम छोटे मोटे न्यूज जीवी और कहां बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, बड़े बड़े न्यूज ब्रांड जो हम पर केस ठोकते हैं. इसलिए दिल से थैंक यू टू ऑल दोज बिग मीडिया हाउसेज जो जनहित का जर्नलिज्म छोड़ के सत्ता को सलाम ठोकते हैं, जो गीदड़ों के माफिक लाइन लगा के सत्ता के फेंके हुए टुकड़ों पे पलते हैं. हम उनको सलाम करते हैं. अगर आप ऐसे ना होते तो कौन पूछता हमें? Even film and sports celebrities, we should not forget them, जिन्हें लोग हीरो मानते हैं और idolize करते हैं, जो स्क्रीन पे तो गाते हैं शेरा वांगू यार खड़गे वैली नाल सी जिनादी यारी, लेकिन real life में गीदड़ बन जाते हैं. Had not been such a craven, cowardly, compliant and tiny people, कौन पूछता न्यूज लॉन्ड्री को यार? बाकी डेमोक्रेटिक institutions इतनी छोटी ना हो गई होती तो कौन पूछता हमें? सो नेट नेट न्यूज लॉन्ड्री वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल दीज पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस. तो शुक्रिया तहे दिल से टू ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स जो इतनी छोटी हो गई हैं कि 10-15 जर्नलिस्ट का एक फालतू सा प्रोजेक्ट, न्यूज लॉन्ड्री वाला आइडिया, इतना बड़ा हो गया. आप ना होते तो कोई नहीं पूछता हमें. 12 साल तक हमें रेलेवेंट करने के लिए सलाम. एंड हियर्स टू अनदर 12 इयर्स ऑफ सबकी धुलाई, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू. और सबकी धुलाई करते करते अपनी भी धुलाई अक्सर होती रहती है, लेकिन तभी तो मजा आए और होती रहनी चाहिए. सी दैट्स द फन. देयर इज नो पॉइंट स्नैचिंग कैंडी फ्रॉम अ लिटिल बेबी. इट्स मोर फन एंड चैलेंजिंग रेस्टिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ बिग बुली. गीदड़ों से मुकाबला करने में कोई मजा नहीं है, शेर से लड़ेंगे तो पंजा तो लगेगा. दैट्स द फन. सो डू पे टू कीप न्यूज फ्री एंड सपोर्ट अस. इतना तो कर सकते हो, बिकॉज व्हेन द पब्लिक पेज द पब्लिक इज सर्व्ड. और छाती ठोक के कहो, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें. हैप्पी 12 ईयर्स टू ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू एंड थैंक यू.